بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. एक मर्तबा मौला अली जंग नहलवान के लिए अपने घोड़े पर सवार हो रहे होते हैं कि एक नजदीकी मौला अली के पास आता है और कहता है, ऐ अली, ये जंग आप मत लड़े क्योंकि आपका सितारा गर्दिश में है, आप ये जंग बुरी तरह हार जाएंगे। मौला अली उसकी बात सुनकर घोड़े से नीचे आ जाते हैं और उस नजूमी को कहते हैं, अच्छा, तुम सितारों के हाल जानते हो। उसने कहा, मेरा काम यही है, मैं सितारों को देखकर इंसान का हाल बता सकता हूँ और आपका सितारा गर्दिश में है, इसलिए आपको बताया कि आप ये जंग हार जाओगे। मौला अली ने उस नजूमी को कहा, अच्छा, वो सामने एक घोड़ी है जो पेट से है, बताओ उसके पेट में नर है या मादा है। अब वो नजूमी खामोश। मौला अली ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि मैं सितारों का हाल जानता हूँ, ये तुम्हारी नजरों के सामने है, तुम तो उसका भी हाल नहीं जानते। मौला अली ने कहा, अच्छा बताओ, कौन सा सितारा जब टूटता है तो ऊंट पर एक हरकत जहर होती है। अब वो फिर नजूमी खामोश। मौला अली ने कहा, अच्छा, मेरे घोड़े के पांव के नीचे जमीन पर एक चीज है, बताओ वो क्या है। नजूमी खामोश। मौला अली ने कहा, तुम आसमान के तो क्या जमीन पर तुम्हारी नजरों के जो सामने है वो भी नहीं जानते। सुनो ऐ शख्स, मैं अली अब तुझे बताता हूँ, अली की जिंदगी की सबसे कामयाब ये जंग होगी। मेरे 10 लोग भी इस जंग में शहीद नहीं होंगे और मेरे मुखालिफ के 10 लोग भी नहीं बचेंगे। और फिर तारीख में लिखा है कि जंग नहलवान में मौला अली का कोई साथी भी शहीद नहीं हुआ था और मौला अली के मुखालिफ के सिर्फ 9 आदमी बचे थे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकअल्लाह। Oh.